वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। पंजाए जुल्मो जहालत ने बुरा हाल किया, पन के मकराज हमें बेपरो बाल किया, अंधेरी नगरी का मुसाफिर बेहाल किया, तकत्तुसे इब्ने आदम को पामाल किया। बग्गी से उतरते ही मौत के फरिश्ते ने हम सबके हाथों में हमारे नामाए आमाल रख दिए। यहाँ फैसला जन्नत या जहन्नम, सजा या जजा का नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का हो रहा था। हमारी सांसों पर सट्टा लग चुका था। यहाँ रहम, रियायत या रिहाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये मैदान एक जुआ था और हम सब दाव खेले बिना ही बाजी हार चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी में आउशविट्स जैसी खतरनाक जगह पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे सामने वर्दी में छुपे भेड़िए मासूम कैदियों पर तशद्दुद कर रहे थे। मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बुजुर्ग, वो सबको एक ही लाठी से हांक रहे थे। दाईं तरफ भूखे जंगली कुत्ते चीर फाड़ करने के लिए तैयार खड़े भौंक रहे थे। बाईं तरफ आतिश नमरूद दहक रही थी और उसमें से उठने वाला सिया धुआं और ताफुन जहर की तरह चारों तरफ फैल रहा था। आगे खाई और पीछे कुआं देखकर जब मैं पीछे मुड़ी तो मेरे अब्बू और दो बड़ी बहनें भीड़ में कहीं गायब हो चुके थे। मेरी अम्मी ने मेरा और मेरी जुड़वा बहन मेरियम का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। इतने में एक सिपाही हमारी तरफ आया। उसने मुझे और मेरियम को गौर से देखा और पूछा, क्या ये दोनों बच्चियां जुड़वा हैं? मेरी बच्चियों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अम्मी ने हम दोनों को अपने पीछे छुपाते हुए कहा। जितना पूछा है उतना जवाब दो, हाँ या ना, उसने चिल्लाकर पूछा। हाँ, ये दोनों जुड़वा हैं, अम्मी ने कांपते हुए जवाब दिया। अगले ही पल दो सिपाही आए और अम्मी को बालों से घसीटते हुए ले गए। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल की थी, मगर अम्मी की आंखों से जारी आंसू, उनकी लरसती हुई रहम की भीख मांगती हुई सदाएं और बेबसी में फैलाए हाथ मुझे आज भी याद हैं। मुझे उस वक्त इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी अम्मी को आखिरी बार देख रही हूँ। मैं और मरियम अपने अंजाम से बेखबर एक दूसरे को गले लगाए सिसकियां ले रहे थे। यूं बग्गी से उतरने के महज आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पूरे कुंबे को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। एक ही पल में हम दोनों यतीम हो गए और यहाँ से बर्बरियत की एक ऐसी दास्तां शुरू हुई जो रहती दुनिया तक लोगों के दिल दहलाती रहेगी। रोज सुबह डॉक्टर मेंगला खुद आकर अपने कैदियों की गिनती करता। वो इंसान के रूप में इबलीस था या शायद इबलीस के रूप में इंसान। उसका तखरीब कार दिमाग आए दिन हम पर नित नए तजुर्बे करता और इन तजुर्बात के नाम पर हमसे जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता। हम सब उसके खिलौने थे। उसका जब दिल चाहता वो हमसे खेलता और जब दिल भर जाता तो हमें तोड़कर फेंक देता और हम महकूम और मजबूर कठपुतलियों की तरह उसके इशारों पर नाचते रहते। वो मुझे और मेरियम को दो मुख्तलिफ तजुर्बात में इस्तेमाल किया करता था। हमारे प्रोजेक्ट का नाम मैंगला ट्विंस था। पीर, बुध और जुम्मे को डॉक्टर मैंगला की टीम हमें दूसरे जुड़वा बच्चों के साथ बरहना, भूखा और प्यासा 8 घंटे के लिए कैद कर देते और इस दौरान वो हम सब के कद, वजन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का नाप लेते और उन्हें आपस में कंपेयर करने और जायजा लेने के बाद चार्ट पर लिख देते। मंगल, जुमेरात और हफ्ते को वो हमें एक लैब में ले जाते। वहाँ कसकर हमारे हाथ बांधने के बाद बाईं तरफ से टेस्ट करने के लिए खून निकालते और दाईं तरफ कम से कम 5 इंजेक्शंस लगाते। उन इंजेक्शंस में क्या था ये राज कोई नहीं जानता, ना हमें तब पता था और ना हमें आज पता है। एक दिन मुझे किसी दवाई से रिएक्शन हो गया। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मेरे दोनों हाथ पैर सूज गए। मैं तेज बुखार में कांप रही थी और मेरे पूरे जिस्म पर
मोटे मोटे लाल छाले निकल आए थे। मेरी ये हालत देखकर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, जहां अधमरे लोग बिस्तरों पर पड़े दर्द से कर्रा रहे थे। डॉक्टर मैंगला और चार दूसरे डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट देखी और बिना कोई दवाई या इलाज किए फैसला सुना दिया कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। वो लोग मुझे इसी हाल में वहाँ छोड़कर चले गए, मगर मुझे ये फैसला हरगिज मंजूर नहीं था। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।